जनसेवा ब्राह्मण सभा देहरा द्वारा असहाय गरीब प्रवासियों के लिए लगातार मदद करने का प्रयास जारी है। लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है ताकि वे सभी किसी कारण भी पलायन ना कर सकें। ये प्रवासी लोग हर दिन दिहाड़ी लगाकर अपने परिवारों का पालन पोषण करते थे। यहाँ पर प्रशासन भी इनकी सहायता में चुस्त दुरुस्त दिख रहा है और अन्य सामाजिक संस्थाएं भी सहायता के लिए तत्पर नजर आ रही हैं। अपने तमाम सहयोगी और दानी सज्जनों के साथ जनसेवा ब्राह्मण सभा देहरा द्वारा लोगों का सहयोग किया गया। नहीं, आप ये बोलो, आप कहाँ से हैं जी? हम बिहार से। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? बात नंबर 4 में, देहरा में। तो आपको अभी तक किसी ने कोई राशन वगैरह कोई नहीं मिला? तो अभी आपको जो है पहली बार राशन मिला है? अच्छा, कितने लोग हैं आपके परिवार के? 3 परिवार के लोग हैं। और आपके नज़दीक और भी परिवार हैं कोई? है, मगर लोग हैं। अच्छा, उनको मिल चुका है। अच्छा, आपको पहली बार मिल गया? पहली बार मिला है, पहले किसी ने आपको नहीं, है ना? चलो ठीक है। देश में जो हालात बने हैं, जो लॉकडाउन हुआ है और लोग जो अपने घरों में फंसे हैं और दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, जनसेवा ब्राह्मण सभा ने पहल की है और उसके अनुसार जो है हमने एक संकल्प लिया है कि जो परिवार, प्रवासी परिवार यहाँ पर रह रहे हैं हिमाचल में, जो दिहाड़ी मजदूरी से अपना गुजर बसर करते हैं, जिनके पास राशन की समस्या है, उनको हम राशन उपलब्ध करवाएं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। क्योंकि अगर ये लोग अभाव के कारण यहाँ से पलायन करेंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या प्रशासन के लिए हो जाएगी। इसलिए हमारा निवेदन सभी प्रवासी मजदूरों से भी रहेगा कि वो कृपया किसी खौफ में, किसी माहौल में से यहाँ से पलायन ना करें, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन भी आपकी सेवा में चुस्त दुरुस्त है और सामाजिक संगठन भी यहाँ लगे हैं और ब्राह्मण सभा जो है लगातार इसमें प्रयास कर रही है। और आज हमने जो है हनुमान चौक में यहाँ पर राशन वितरित किया है और हम लोगों से लगातार संपर्क में है। जहाँ जहाँ हमें कोई ऐसी बात आती है या हमारे संपर्क में कोई आते हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि वो हमें बताएं, और जो हमें सहयोग कर रहे हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा काम है इस त्रासदी में अगर हम समाज के काम आएंगे तो ये बहुत बड़ा योगदान हमारा समाज के लिए रहेगा। धन्यवाद।